हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सब फाइनेंशियली फिट होंगे। सो इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं अंडरवैल्यूड पेन स्टॉक्स के बारे में, जिनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा अच्छी है, जिससे कि वो आप आने वाले टाइम में एक अच्छी खासी वेल्थ को जनरेट कर सकें। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है। सो वीडियो शुरू होने से पहले जल्दी से वीडियो कर दो लाइक, अपने स्टॉक मार्केट वाले दोस्तों के साथ कर दो इसको शेयर, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर ही दो। तो चलिए आज के एनालिसिस को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा स्टॉक है वो बैंकिंग सेक्टर से आता है और एक NBFC है। NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जो कि RBI के साथ रजिस्टर्ड है। ये रियल एस्टेट के बिजनेस में, फाइनेंशियल सर्विसेज में और क्रेडिट ऑपरेशन के सेगमेंट में काम करती है। ये अलग अलग सेक्टर की कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में, ट्रेवल रिलेटेड बिजनेसेस में एटसेट्रा। उससे लगे ब्रोकर का काम करती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में, डेट मार्केट्स में और करेंसी ऑप्शंस मार्केट के अंदर। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये रियल एस्टेट में भी बिजनेस करती है, तो उसी के लिए ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, बिल्डिंग, मॉल्स और टाउन्स के प्रोजेक्ट को भी हैंडल करती है। अगर हम इसका रेवेन्यू स्प्लिट देखें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में 53% का रेवेन्यू इन्वेस्टिंग से आया था, 36% का रेवेन्यू ब्रोकिंग से आया था और 11% कुछ रेवेन्यू है वो रियल एस्टेट वाली एक्टिविटीज से आया था। इसके अलग अलग रियल एस्टेट वेंचर्स हैं चेन्नई में, मुंबई में, रायपुर में, जिसके अंदर फोनिक्स मार्केट सिटी चेन्नई, क्रेस्ट मुक्त मुंबई, वन क्रेस्ट चेन्नई और क्रेस्ट ग्रीन रायपुर भी शामिल हैं। और आने वाले कुछ टाइम में ये अपनी सभी सेल्स को कंप्लीट करने वाले हैं। इसके नेक्स्ट प्रोजेक्ट हैं बानी पार्क जयपुर में, क्रेस्ट चिंक मुंबई में, क्रेस्ट पार्क व्यू भी मुंबई में और क्रेस्ट चैम्बर्स चेन्नई में। इसकी दो सब्सिडियरी कंपनी भी हैं, क्रेस्ट फिनजर्व, क्रेस्ट कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। बाकी उससे अलग ये कंपनीज में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि वेस्कन इंजीनियर्स लिमिटेड, जो कि रियल एस्टेट के बिजनेस में इन्वॉल्व्ड है, टेरामाइंड ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ये एक इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी है, TBOF फूड प्राइवेट लिमिटेड, ये एक D2C कंपनी है, CMS सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। सो इसकी टोटल 5 सब्सिडियरी हैं, 6 एसोसिएट्स हैं और 1 जॉइंट वेंचर भी है, जिसका नाम है ट्रिनिटी वेंचर्स। उससे अलग इन्होंने ICICI म्यूचुअल फंड में 492 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हुए हैं और इनका भी फोकस है नए नए अर्बन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए देख रही है। ये तो गई कंपनी का एक स्मॉल इंट्रोडक्शन, चलते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की तरफ। सो अभी इनकी टोटल मार्केट कैप है अराउंड 618 करोड़ की और स्टॉक का प्राइस आपका अराउंड 220 रुपीस चल रहा है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी सिर्फ 1.56 की है और इंडस्ट्री का पीई रेशियो मोर देन 30 का है। सो अभी तो ये आपके ग्रेट वैल्यूएशन पर मिल जाता है। इसकी बुक वैल्यू है 344 की। सो इसकी वजह से यहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट को टोटल रिस्क फ्री बनाती है। ये आपको 0.46% के डिविडेंड भी दे रही है, ROC 58.0% है और वहीं इसकी ROE की वैल्यू है 50%। ये दोनों ही रेशो आपको कंपनी की बेटर ग्रोथ को शो करते हैं। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.18 का और इसके ऊपर 173 करोड़ का अदर डेट है, जो कि यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। इसने आपको लास्ट 5 इयर्स में 33.3% CAGR की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ही है। अगर हम बात करें इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो इस बार इसका क्वार्टरली रेवेन्यू बढ़ा है 3 करोड़ से, यानी कि ऑलमोस्ट 10%। मगर इस बार का जो एक्सपेंसेस थे इनके, उनके अंदर भी आपको बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है, जिसकी वजह से इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर गया। इनका इस क्वार्टर का मार्जिन था 46%, जो कि कम है किसी भी NBFC के लिए। देखो इससे पहले ही कंपनी लॉसेस बुक कर रही थी, मगर उसके बाद जून 2022 वाले क्वार्टर में इसका रेवेन्यू गया था 567 करोड़ तक, जिसके बाद इनके ऊपर लोगों का थोड़ा सा ट्रस्ट बढ़ गया था और ये थोड़ी चर्चा में आई और उसके बाद से जो इसका रेवेन्यू है वो एक पॉजिटिव ग्रोथ के अंदर है। ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें, सो मैंने आपको बताया कि जून 2022 वाला जो इनका क्वार्टर था उसके अंदर इनका काफी अच्छा रेवेन्यू आया था, उसी की वजह से जिसका रेवेन्यू है वो 11 टाइम्स हो गया। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 580 करोड़, जो कि लास्ट ईयर माइनस का 3 करोड़ था। 580 करोड़ में से 15 करोड़ इनके डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट में कट गए। 31% के टैक्स के बाद इसका नेट प्रॉफिट था 396 करोड़ का। अब जो नेक्स्ट ईयर का रिजल्ट आएगा वो ईयर ऑन ईयर डाउन जाएगा। आई होप उसका रीजन आप समझ गए हो और वो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। सो इसके ऊपर 950 करोड़ के रिजर्व्स हैं, 173 करोड़ की बोरोइंग्स हैं और 32 करोड़ की अदर लाइबिलिटीज हैं। और एसेट्स में इसके पास 66 करोड़ के फिक्स एसेट हैं, 26 करोड़ की इन्वेस्टमेंट एसेट हैं और 831 करोड़ के अदर एसेट्स हैं। अगर हम इसका कैश फ्लो देखें तो अभी 500 करोड़ का इनके पास रिसीवेबल है, यानी कि इनको अभी 500 करोड़ रुपीस मिलेंगे। इन्होंने 2195 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को सेल किया और 1332 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को परचेज किया और 82 करोड़ इनके फाइनेंसिंग एक्टिविटी में गए हैं, मगर इसने उन सबको मिलाकर काफी अच्छे से मैनेज किया है और उन सबके बाद भी इसके पास 20 करोड़ का पॉजिटिव नेट कैश फ्लो बचा हुआ है। दैट्स अ गुड मैनेजमेंट। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स अपने स्टेक को रेगुलरली इंक्रीज कर रहे हैं
FII के पास 5.31% की होल्डिंग है। उन्होंने अपने स्टेक को 0.11% से डाउन किया है। 24.85% की जो होल्डिंग है वो खुद पब्लिक के पास है और बाकी का 0.89% का स्टेक अदर्स का है। सो ये तो सब कुछ एक कंपनी की फंडामेंटल साइड थी। अगर हम उसकी टेक्निकल साइड की बात करें तो ये स्टॉक अभी 218 रुपीस पर ट्रेड हो रहा है, आप देख सकते हो। अगर चार्ट देखें तो पहले इसने बैक टू बैक टू ग्रीन कैंडल बनाई, मगर उसके बाद से इसमें एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो गया जिसकी वजह से अभी एक डाउन ट्रेंड के अंदर है। फिलहाल इस स्टॉक का मेजर सपोर्ट है 181.15 का, जहां से दोबारा आपको एक बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा। फिलहाल इसका RSI 51.57 का है, जो कि दिखा रहा है कि इस स्टॉक में अभी बाइंग मोमेंटम नहीं है। MACD ने काफी टाइम पहले आपको सेलिंग सिग्नल जनरेट करके दिया था। सो अब बात आती है कि फाइनली आप एंट्री कब लोगे इसके अंदर। सो अभी तो इस स्टॉक एक डाउन ट्रेंड के अंदर है, जब तक ये डाउन ट्रेंड के अंदर है तब तक तो आप इसके अंदर एंट्री मत लेना, या फिर जो स्लैंट लाइन यानी कि अपनी रेसिस्टेंस लाइन को ब्रेक करेगा और या फिर अपना सपोर्ट क्रिएट करेगा तब आप उसके बाद एंट्री लेने की सोच सकते हो। और इंडिकेटर्स के लिए आप इसके अंदर ATR, MACD और सुपर ट्रेंड का यूज कर सकते हो एंट्री लेने के लिए। तब तक आप इसको अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हो। आज के स्टॉक का नाम है क्रेस्ट वेंचर्स लिमिटेड। सो दैट्स द एंड ऑफ एनालिसिस इन्वेस्टर्स। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इससे अलग मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डाल दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर। मैं वहां पर डेली स्टॉक एनालिसिस और मार्केट अपडेट शेयर करता हूं। आप वहां पर भी मेरे साथ आके ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हेल्दी बी वेल्दी।